मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो बात मजा की है, प्यार भरा किसी का दिल ना तोड़ो क्योंकि ये दिल खास खुदा की है। लेकिन यहां तो मंदिर भी तोड़ दिए, मस्जिद भी तोड़ दिए और लोगों का दिल भी तोड़ दिए। ऐसी घटनाओं से साफ प्रतीत होता है कि अपराधियों का और असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। समाज चाहे कोई भी हो, समुदाय चाहे कोई भी हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना गलत है। ऐसा ही वाकया बेगाबाद थाना क्षेत्र के चितमाडी पंचायत के महतोडी गांव समीप करबला की है, जहां पर बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा करबला के दोनों गेटों को उखाड़ दिया व तोड़फोड़ किया। सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो देख करके भौचक्के रह गए। हालांकि हल्ला गुल्ला करने पर काफी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए। वहां के बगलगीर हरेला पंचायत के मुखिया मुन्ना सिंह, चितमाडी पंचायत के मुखिया पति सजला देवी के पति बीरेंद्र यादव समेत कई लोग पहुंचे। सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस भी वहां पर पहुंची और मामले को फिलहाल शांत कराया गया है। लोग आक्रोशित में थे। इधर सामाजिक कार्यकर्ता स्वशिक्षक मोहम्मद रजाक ने कहा कि यह घटना निंदनीय है, ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रशासन से कार्रवाई की सख्त मांग की है। कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगना और कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं वहां के लोग, वहां के मुखिया, स्थानीय मुखिया, बगलगिर मुखिया और शिक्षक रजाक क्या कहते हैं। आइए सारी बातों को आपको सुनवाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर तोड़फोड़ हुई है और किस प्रकार असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और आपको दिखाते हैं कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन शिवाजी पांडे के साथ जगन्नाथ, जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। असामाजिक तत्वों ने बेंगाबाद के महतोडी गांव स्थित करबला में तोड़फोड़ कर दो गेटों को उखाड़ फेंक दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है, अहले सुबह जब मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे तो गेट टूटा हुआ देखकर भौचक्का हो गए। उन्होंने अविलंब पुलिस को सूचना दी। मौके पर सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है असामाजिक तत्वों का यह हाथ होने की बात बताई जा रही है। इधर इस टूटे करबला को देख करके लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा था। लोगों ने अविलंब असामाजिक तत्वों पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहां के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रजाक अंसारी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। आज महतोडी करबला जो यहाँ पे हम लोग आज चहरुम के दिन था, हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद करबला का जो दीवार वगैरह गेट वगैरह टूटा हुआ है उससे हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और हम लोग काफ़ी दुखी भी हैं। जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस काम को किया गया है, निश्चित रूप से हम लोग उसको पता करने का प्रयास करेंगे और प्रशासन के द्वारा भी हम लोगों को सहयोग दिया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन करने के बाद प्रशासन यहाँ पे पहुँची है और हम लोग छानबीन करके निश्चित है असामाजिक तत्वों के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। हम लोग देख के तो जिला प्रशासन, प्रखंड थाना प्रशासन को खबर की। खबर करने के बाद सारे जांच पड़ताल करवाए, इसमें जहाँ तक हो पाएगा हम लोग पूर्ण रूप में 8 दिन के अंदर इनको हम खोलने की कोशिश करेंगे। सारी ग्राम महतोडी का खजानती हैं जी। हमारे महतोडी करबला का हम लोग आज चहलुम का दिए हैं। सुबह जब हमारे मुजावर यहाँ पहुँचे जी तो देखा कि हमारे करबला का जो है गेट टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त किया हुआ है जी। इन्होंने हम लोग को खबर दिया, हम लोग सब पहुँचे। इस करबला में लगभग यहाँ से 10 गांव का लोग यहाँ पर आते हैं जी। और ये क्षतिग्रस्त मतलब कहने का मतलब असामाजिक तत्व के लोगों ने ही ऐसा कुछ किया है आपस में तनाव करने के लिए जी। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करे, सही से जाँच पड़ताल करे, ताकि आने वाले भविष्य में जिस तरह से कोई घटना पुनर्वृत्ति नहीं हो सके। और ये हम लोग का कहना क्या कि करबला के बगल में रात भर यहाँ कुछ प्रोग्राम भी चला है, आप देख भी सकते हैं प्रोग्राम चल रहा, हो सकता है उसमें कुछ भयंकर लोग होंगे जो इस काम को अंजाम दिया। इन्हें बातों का बात करके मैंने आपका समाप्त करता हूँ जी। बताइएगा सर, यह करबला महतोडी ग्राम स्थित रतनपुर के पास है, जो करीब 200 वर्ष पुराना करबला है। यहाँ पर आज चहलुम के दिन मुर्गा खस्सी लोग अकीदतमंद लोग आते हैं और देते हैं,
जिस कारण से यहाँ आने के बाद देखा गया कि करबला की गेट तोड़ दिया गया है, एक गेट लेकर के चला गया है और बेहुरमती की गई है। इसको हम लोग, इससे हम लोग पूरे 5-7 गांव के लोगों, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मर्माहित हैं, सभी लोग तकलीफ़ में हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो असामाजिक तत्व ने इस तरह कार्य किया है उसे जल्द से जल्द खंगालने की कोशिश करें। जय झारखंड। आज क्या घटना हुआ है यहाँ पर? आज सुबह, आज तीजा है मुहर्रम शरीफ का, तो हम लोग सुबह जब घर से आए जी तो देखे यहाँ सब टूटा फूटा हुआ है जी, और एक गेट जो है उधर था फेंका हुआ, एक गेट गायब है। अच्छा। तो फिर हम अकेले आए, उसके बाद एक दो जो ग्रामीण है वो लोग भी आए जी, सब लोग मिल के फिर गांव का जो मानिंद आदमी है, सदर सेक्रेटरी, वो सबको बुलाएं, फिर और दीगर बस्ती जो जो यहाँ करबला में शामिल होता है सब लोग को बुलाएं, सब लोग देखा, उसके बाद प्रशासन भी आए, प्रशासन अब जो निर्णय लेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद असगर शाह। क्या करते हैं आप यहाँ पर? जी हम यहाँ का मुजावर हैं। अच्छा। यहाँ का पुजारी समझ लीजिए। जी जी। आप रेगुलर यहाँ पर आते रहते हैं? जी जी, हर समय। ये घटना किसने की आपको कुछ जानकारी सर? सर इसके विषय में रात में किया, तो रात में यहाँ नहीं रहते तो इस तरह मतलब बगैर देखे हुए किसको कर दीजिएगा। ठीक है। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे BNB के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे BNB के साथ। BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव।